तो चलो यार, यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है इस सिस्टम को एक्सेस करने की, पर यार यहाँ पर ये सिस्टम तो ओपन नहीं हो रहा। तो यार बहुत मुश्किलों के बाद मैं इस वैनिटी वैन को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो फाइनली यार अपन ने ये इजिप्ट के अंदर अपना पैर रख दिया। अभी जल्दी से अपन जाके इजिप्ट के किंग को मिलते हैं। Hey guys, welcome to another episode of GD Wife। तो यार आज के एपिसोड में अपन एक बहुत तगड़ी डील करने वाले हैं। तो यार आ जाओ चलते हैं। हाँ तो यार आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि यार मेरी लाइफ में जो भी सब कुछ चल रहा था ना वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और साथ में यार आज से रेगुलर कंटेंट स्टार्ट हो गया है। अब से तुम्हें रेगुलर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है कि यार एट लास्ट अपन ने ये मिलिट्री जर्नल की ये वैनिटी वैन चुरा ली थी, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि यार एक बहुत तगड़ा 3 बंदों का कंट्रोलिंग सिस्टम लगा हुआ था। तो यार उस कंट्रोलिंग सिस्टम को एक्सेस करने की अपन ने काफ़ी कोशिश करी, लेस्टर ने भी काफ़ी कोशिश करी, मैंने भी काफ़ी कोशिश करी, पर यार अपन इसको एक्सेस नहीं कर सके। तो यार उसके बाद मैं इस वैनिटी वैन को इस अपने सीक्रेट बेस में लेके आ गया था ताकि यार यहाँ पर ना अपन उसको एक्सेस कर सके। तो यार इस कंट्रोलिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए अपने को तकरीबन कोई 3 बंदों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो यार यहाँ पर अपना फ्रैंकलिन भी आ चुका है जो कि यार इसको एक्सेस करने वाला है। तो चलो यार मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर लेस्टर और फ्रैंकलिन अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। मैं भी जल्दी से अपनी सीट पे बैठता हूँ और देखते हैं कि यार अपन इस सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलो यार जल्दी से मैं सीट पे बैठ जाता हूँ। बाकी यार इस सिस्टम को एक्सेस करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर ना जितना भी सिस्टम लगा हुआ है ना उसके अंदर लॉगिन और पासवर्ड चाहिए होता है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं पूरी अपनी कंट्रोलिंग वगैरह कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन कोशिश कर रहे हैं कि यार अपन इस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। अगर मैंने ये सिस्टम एक्सेस कर लिया ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपन पूरे लॉस सेंटर्स पे कब्जा कर सकते हैं। तो चलो यार यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश कर लिया है इस सिस्टम को एक्सेस करने की, पर यार यहाँ पर ये सिस्टम तो ओपन नहीं हो रहा। अभी जल्दी से मैं लेस्टर से पूछता हूँ कि यार अपना अगला प्लान क्या रहने वाला है। तो चलो यार लेस्टर से मैंने बात कर ली है। लेस्टर बोल रहा है कि यार अपन इस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर अपने को इस सिस्टम को एक्सेस करना है ना तो यार अपने को कोई अच्छे से हैकर का अरेंजमेंट करना होगा जो कि यार इस सिस्टम को हैक कर सके और यहाँ पर जितने भी पासवर्ड्स है उसको क्रैक कर सके। तो यार लेस्टर को एक बहुत तगड़ा हैकर जानता है जिसके पास अभी अपन जाने वाले हैं। तो चलो यार यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो चलो यार यहाँ से मैं और लेस्टर अभी निकल रहे हैं। बाकी यार फ्रैंकलिन तो अभी यहीं पर रहने वाला है क्योंकि यार यहाँ पर इसको काफ़ी काम है। तो चल लेस्टर फटाफट से इस ट्रक में बैठ जा और अपन यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार लेस्टर बोल रहा है यार वो हैकर ना बहुत तगड़ा है, मतलब वो हैकर ना सब कुछ हैक कर सकता है। तो यार अभी देखते हैं कि यार वो इस सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा या फिर नहीं। अगर उस हैकर ने इस सिस्टम को एक्सेस कर लिया ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारी जितनी भी लॉस सैंटोस की कंट्रोलिंग है ना वो हमारे हाथ में आ जाएगी, मतलब मिलिट्री बेस की, एयरवेज की, आर्मी की, नेवी की, हर जगह की कंट्रोलिंग हमारे पास आ जाएगी। बाकी यार इस वैनिटी वैन को ना मेरे को बहुत ध्यान ध्यान से लेके जाना होगा ताकि यार कोई आर्मी वाला या फिर कोई पुलिस वाला इसको ना देख पाए। अगर किसी पुलिस वाले ने इसको देख लिया ना तो यार बहुत बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है यार ये वैनिटी वैन है मिलिट्री जर्नल की और इसके अंदर सारे सीक्रेट्स वगैरह छुपे हुए हैं। वैसे तो यार पूरी पुलिस वगैरह और सारी आर्मी वगैरह ना इस बस को ढूंढ रही है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस रोड पे तो यार मेरे को कहीं भी कोई पुलिस वाला या फिर कोई आर्मी वाला नहीं दिख रहा। तो चलो यार जल्दी से उस हैकर बेस पे चलते हैं। बाकी यार मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि यार वो हैकर हमारी हेल्प करेगा या फिर नहीं। वैसे वो हैकर यार हमारी हेल्प करने से मना कर ही नहीं सकता क्योंकि यार मैं उसको ऑफर करने वाला हूँ $500 मिलियन। यार अभी जाके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो चलो यार ये मैं पलीटो से लॉस सैंटोस आ चुका हूँ। अभी जल्दी से अपने को उस हैकर के बेस में जाना होगा। बाकी यार लेस्टर जहाँ तक मेरे को बता रहा है यार ये जो अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है ना इसी के अंदर वो हैकर रहता है। तो चलो यार इस ट्रक को मैं अंदर लेके आ चुका हूँ और यहाँ पर तो खैर कुछ नहीं है, तो यार कंस्ट्रक्शन वाले बंदे हैं, मुझे लगा खैर ये हैकर तो नहीं हो सकते। तो यार यहाँ से भाई मेरे को कहाँ से लेके जाना है क्योंकि यार इस ट्रक को ना मेरे को टॉप फ्लोर पे लेके जाना है। तो यार जल्दी से यहाँ पर मैं कोई लिफ्ट ढूंढ लेता हूँ। तो यार यहाँ पर तो लिटरली मेरे को कोई भी लिफ्ट नहीं दिख रही जो कि यार इस ट्रक को ऊपर ले जा सके। तो यार यहाँ से तो यार यहाँ मुझे लग रहा है कि यार कोई भी लिफ्ट अपने को नहीं मिलने वाली। तो चलो यार ये ट्रक को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं कि यार वो हैकर अपने को यहाँ पर मिलेगा या फिर नहीं। वैसे लेस्टर बोल रहा है कि यार वो इससे काफ़ी टाइम से नहीं मिला। बाकी यार इस जगह से यार आई थिंक यार ये ट्रक ऊपर आ सकता है। खैर छोड़ यार, पहले मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ कि यार वो हैकर अपने को मिलता भी है
या फिर नहीं। बाकी यार ये अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ना काफ़ी तगड़ी बनाई गई है, यहाँ पर कोई बंदा सोच भी नहीं सकता यार यहाँ पर इतने तगड़े तगड़े हैकर के बेस बनाए होंगे। बाकी यार यहाँ पर रास्ता कहाँ पे है मेरे को बिल्कुल पता नहीं लग रहा। वैसे तो लास्ट बोल रहा था कि यार इस बिल्डिंग के अंदर ना कोई लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, पर यार अभी तक तो मेरे को कोई भी लिफ्ट नहीं दिख रही। तो चलो यार इस रास्ते पर तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ से तो यार मेरे को ऊपर जाने की कोई सीढ़ियाँ भी नहीं दिख रही, तो यार यहाँ से तो नहीं। तो चलो यार काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अपने को ये सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं। ओ भाई कितनी ऊपर तक है ये सीढ़ियाँ, भाई कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार इतनी ऊपर तक ये सीढ़ियाँ बनाई होंगी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ और जाके देखते हैं कि यार अपने को ऊपर क्या मिलने वाला है। तो फाइनली यार ये मैं ऊपर आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर तो यार मेरे को लिटरली कोई भी हैकर बेस नहीं दिख रहा। तो यार लेस्टर बोल रहा है कि यार हैकर बेस में भी यार ऊपर हो सकता है। तो चलो यार अपने को ये रास्ता मिल चुका है, यहाँ पर अपन जाके देखते हैं कि यार अपने को हैकर बेस मिलता है या फिर नहीं। तो चलो यार ये तो भाई कुछ अजीब सा एरिया आ चुका है, यहाँ पर तो यार कुछ गार्ड्स यहाँ पर मतलब नकली गार्ड्स ही हो सकते हैं, क्योंकि यार ये असली मिलिट्री वाले गार्ड्स तो नहीं हो सकते, पर सेम टू सेम इन्होंने ड्रेस तो एकदम वैसी पहनी हुई है। यहाँ पर सारे बंदे गाड़ियाँ वगैरह रिपेयर कर रहे हैं और अपनी कुछ कस्टम गाड़ियाँ बना रहे हैं। खैर छोड़े यार, अपने को तो अभी हैकर बेस को ढूंढना होगा। तो यार यहाँ पर तो यार मेरे को कहीं भी हैकर बेस नहीं दिख रहा, मे भी यार ऊपर वाली फ्लोर पे हो सकता है। तो चल लेस्टर फटाफट से अपन यहाँ से निकलते हैं, कहीं ये ना होगी यार ये सारे बंदों को अपने ऊपर शक हो जाए। वैसे यार यहाँ पर अपन कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, शक क्यों होगा। तो चलो यार यहाँ पर तो यार रास्ता, खैर रास्ता तो मेरे को मिल चुका है, अभी ऊपर चलते हैं और फाइनली यार ये मेरे को ये हैकर बेस मिल चुका है। तो चलो यार जल्दी से अंदर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं ना वो अपने को कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि यार लेस्टर ने उस हैकर को पहले ही कॉल कर दी थी। तो चलो यार ये हैकर बेस के अंदर मैं आ चुका हूँ और भाई लिटरली ये हैकर बेस काफ़ी तगड़ा बनाया गया है, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर इतने इलीगल काम चल रहे हैं। बाकी यार तुम देख पा रहे हो बैक वाली साइड पे यार यहाँ पर पूरी क्लासेस वगैरह चल रही हैं, ये बंदा इन सारे बंदों को हैकिंग सिखा रहा है और ब्लैक बोर्ड पे भी काफ़ी कोड्स वगैरह लिखे गए हैं जो कि यार हैकिंग में पूरे काम आते हैं। और ये फ़ोटो किसकी है, तो यार मुझे ये फ़ोटो तो नहीं पता, पर यार यहाँ पर ये जितने भी सिस्टम लगाए गए हैं ना है ये बहुत तगड़े। तो यार खैर छोड़ो, अभी जल्दी से उस बंदे से जाके मैं मिलता हूँ जो कि यार यहाँ पर मेरी ये पूरी वैनिटी वैन को हैक करने वाला है। बाकी यार इस रूम के अंदर तो मेरे को वो लिटरली कहीं भी वो बंदा नहीं दिख रहा। तो यार आई थिंक यार एक ये ऑफिस भी है और वो हैकर यहाँ पर भी नहीं है, मुझे नहीं समझ लग रहा कि यार वो हैकर यहाँ पर है भी है या फिर नहीं। बाकी यार लेस्टर बोल रहा है कि यार इससे ऊपर एक और फ्लोर है, मे बी यार हैकर वहाँ पर हो सकता है। तो चलो यार ऊपर वाली फ्लोर पे जल्दी से चलते हैं और जाके देखते हैं कि यार वो हैकर अपने को मिलता है या फिर नहीं। बाकी यार ऊपर वाली साइड पे काफ़ी तगड़े गार्ड्स खड़े करे गए हैं, पर यार यहाँ पर तो अपने को कुछ भी लिटरली नहीं दिख रहा। और सामने वाली साइड पे एक ही हेलीकॉप्टर है और यार हेलीकॉप्टर के अंदर भी कोई बंदा अपने को नहीं दिख रहा। और यार इस हैकर बेस के अंदर ना बहुत तगड़ी तगड़ी एंटी मिसाइल्स वाले वेपन्स लगाए हुए हैं। तो चलो यार इस गार्ड से मैं पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि यार इन गार्ड्स को पक्का पता होगा यार वो हैकर कहाँ पे है। तो चलो यार इस गार्ड से मैंने बात कर ली है, ये बोल रहा है कि यार हैकर ना कुछ टाइम के लिए बाहर गया हुआ है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार तब तक के लिए ना मैं अपनी वैनिटी वैन को ऊपर ले आऊँ, क्योंकि यार इस वैनिटी वैन को ऊपर लाने में ना काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चल लेस्टर तू भी जल्दी से आ जा। बहुत मुश्किलों के बाद मैं इस वैनिटी वैन को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो यार इस वैनिटी वैन को अपने को और ऊपर लेके जाना होगा और आई डोंट थिंक सो यार ये वैनिटी वैन और ऊपर जाने वाली है। तुम देख ही पा रहे हो लिटरली यार यहाँ से तो ये वैनिटी वैन चढ़ ही नहीं पा रही। यार ये वैनिटी वैन को यहाँ पर मुझे पार्क करना होगा और मैं सोच रहा हूँ कि यार उस हैकर को ना यहीं पर मैं बुला लूँ ताकि यार इस वैनिटी वैन को वो हैक कर सके। जल्दी से यार उस हैकर के आने की वेट करते हैं। तो चलो यार ये हैकर आ चुका है, जल्दी से इसको वैनिटी वैन में लेके चलते हैं। तो चलो यार ये अपन इसको वैनिटी वैन में लेके आ चुके हैं। तो यार यहाँ पर अपनी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि यार इस सिस्टम को एक्सेस करा जा सके। तो यार अभी देखते हैं कि यार इस सिस्टम को ये एक्सेस कर पाता है या फिर नहीं। हाँ तो यार इस हैकर से मैंने बात कर ली है, वो बोल रहा है कि यार इस सिस्टम को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, ये सिस्टम सिर्फ तभी एक्सेस हो सकता है
जब अपन तीन बंदों के फिंगरप्रिंट ले आए तो यार ये बोल रहा है कि यार अपने को मिलिट्री जनरल और उसकी वाइफ और साथ में कमांडर तीन वो बंदों के फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। अगर अपन तीन बंदों के फिंगरप्रिंट ले आए ना तो यार इजीली अपन इस बस को एक्सेस कर सकते हैं, वरना तो यार कोई चांस नहीं है। तो यार ये बोल रहा है कि यार तीनों के फिंगरप्रिंट अपने को ज़रूर चाहिए होंगे, पर यार उन बंदों के फिंगरप्रिंट लाने इतने ईजी नहीं है। तो यार ये हैकर बोल रहा है कि यार अपने को ना किसी बड़े बंदे की हेल्प लेनी होगी ताकि यार ये सारा प्लान अपना सक्सेसफुल हो सके। ये बोल रहा है कि यार बिना किसी बड़े बंदे के हाथ के ना अपन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं कर सकते। तो यार ये बोल रहा है कि यार अपने को ना किसी और कंट्री की हेल्प लेनी होगी। तो यार ये बोल रहा है कि यार इजिप्ट की किंग ना इसके फ्रेंड हैं जो कि यार अपनी हेल्प कर सकती हैं। तो यार ये हैकर बोल रहा है कि यार इजिप्ट की किंग के पास ना काफ़ी तगड़ी पावर्स हैं, वो अपना कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ना ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो चलो यार अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यार मैं भी जाने वाला हूँ इजिप्ट। बाकी यार इजिप्ट जाना इतना ईजी नहीं होने वाला क्योंकि यार आपको पता है लॉस सैंटोस के अंदर मिलिट्री जनरल ने ना जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो तो बंद कर दिए हैं। पर यार ये हैकर बेस के अंदर अपने को एक हेलीकॉप्टर दिखा था जिससे कि यार अपन इजिप्ट में जा सकते हैं। तो चलो यार जल्दी से मैं उस हेलीकॉप्टर में चलता हूँ। बाकी यार लेस्टर तो अभी मेरे साथ नहीं जाने वाला क्योंकि यार लेस्टर यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहा है कि यार अपन बिना फिंगरप्रिंट के उस सिस्टम को एक्सेस कर सके। तो चलो यार इस हेलीकॉप्टर के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, जल्दी से अपन निकलते हैं और चलते हैं इजिप्ट। बाकी यार मुझे नहीं पता कि यार ये इजिप्ट के किंग हमारी हेल्प करेंगे या फिर नहीं। बाकी यार ये हैकर बोल रहा था कि यार ये इजिप्ट के किंग काफ़ी लालची हैं, ये ना पैसों के लिए कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो यार मैं इनको $50 मिलियन की ऑफ़र करने वाला हूँ, आई थिंक यार इतने पैसों में तो ये सारा हमारा काम करवा देंगे। तो यार अभी देखते हैं कि यार ये मिलिट्री जनरल को मरवा सकते हैं या फिर नहीं। अपने को पहले मिलिट्री जनरल को तो नहीं मरवाना, अपने को तो पहले यार ये बस को एक्सेस करवाना है। आई थिंक यार ये कोई ना कोई जुगाड़ लगवा के ना उन तीन बंदों के फिंगरप्रिंट निकलवा लेंगे जिससे अपन ये बस को एक्सेस कर सकें। तो चलो यार ये इजिप्ट आ चुका है, जल्दी से मेरे को इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना होगा। बाकी यार इस हेलीकॉप्टर की हालत ना अभी काफ़ी टाइट हो चुकी है। तो चलो यार ये मैं नीचे आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट अपन लैंड करने वाले हैं। तो फाइनली यार अपन ने ये इजिप्ट के अंदर अपना पैर रख दिया, अभी जल्दी से अपन जाके इजिप्ट के किंग को मिलते हैं। बाकी यार ये इजिप्ट कितना अजीब बना हुआ है, तुम देख पा रहे हो यहाँ पर सारे बंदों ने कैसी ड्रेसें वगैरह डाली हुई हैं। मतलब यहाँ के सारे बंदे ना काफ़ी ख़तरनाक हैं, इनके हाथ में तुम्हें भी ये बहुत तगड़े तगड़े हथियार दिख रहे होंगे। तो यार ये मैं इजिप्ट की मार्केट में आ चुका हूँ, पहले इजिप्ट के किंग से मिलने से पहले तुम्हें ये सारी मार्केट में दिखा देता हूँ। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम्हें ये इजिप्ट से कोई भी आइटम चाहिए होगी ना तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तो यार यहाँ की मार्केट तो काफ़ी तगड़ी बनी हुई है, यहाँ पर काफ़ी एंटिक चीज़ें दिख रही हैं मेरे को, यहाँ पर भी काफ़ी मेरे को एंटिक बर्तन सब कुछ मतलब डेकोरेशन का भी काफ़ी सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ ये फ्रूट की मार्केट लगी हुई है और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वही सबके पास कुल्हाड़ियाँ हैं। आई डोंट थिंक सो यार यहाँ पर किसी के पास गन वन होंगी, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वो सारे बंदे हैं देसी, उनके पास ये देसी कट्टे वट्टे तो हो सकते हैं। बाकी यार तुम्हें पता है कि यार ये इजिप्ट काफ़ी पुराना देश है, तो यार यहाँ पर किसी भी बंदे के पास कोई मॉडर्न वेपन तो नहीं देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ पर किंग अपने को कहाँ मिलेंगे, आई थिंक यार इस गेट से मिल सकते हैं। और भाई इन्होंने तो शेर रखा हुआ है, भाई मैं कैसे जाऊँ? तो यार मुझे बिल्कुल साइड साइड से जाना होगा ताकि यार ये मेरे को ना काट ले। वैसे तो यार ये शेर आई थिंक अपने को कुछ नहीं कहने वाला। और फाइनली यार ये सामने वाली साइड पे अपने को ये इजिप्ट के किंग मिल चुके हैं, जल्दी से जाके मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ तो यार ये इजिप्ट के किंग से मैंने बात कर ली है, ये बोल रहे हैं कि यार ये हमारी हेल्प कर देंगे पर यार उसके बदले में अपने को देने होंगे $50 मिलियन। खैर मैंने इनको बोला है कि यार पैसे की टेंशन ना लो, हमारा काम हो जाना चाहिए। तो यार ये बोल रहे हैं कि यार इनके कुछ बंदे ना मिलिट्री जनरल और कमांडर के पास काम करते हैं, तो इजीली यार वो कमांडर का फिंगरप्रिंट लाके अपने को दे देंगे। तो देखते हैं कि यार ये फिंगरप्रिंट अपने को लाके देते हैं या फिर नहीं। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा आइकन दबा देना। खुश रहो, बाद रहो मैं अगली वीडियो में।